बात अब करते हैं झारखंड की, क्योंकि 20 मई 2014 की तारीख को नीतीश कैसे भूल सकते हैं। यही वो तारीख थी जिससे नीतीश कुमार ने बड़ी सियासी गलती की। वो गलती थी जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना। ये बात हम कर रहे हैं बिहार की। नीतीश कुमार तो इसे अपनी मूर्खता तक बता चुके हैं। झारखंड में भी हेमंत सोरेन के सामने भी कमोबेश कुछ ऐसा ही हाल नजर आया, मगर उन्होंने नीतीश कुमार की गलती से सबक लिया। समय रहते हेमंत सोरेन ने सियासी साहस का परिचय दिया और फिर हेमंत सोरेन ने झारखंड में जीतनराम मांझी मूवमेंट बनने ही नहीं दिया। दरअसल हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं। जेल से बाहर आते ही सबसे पहले अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस ले ली। हेमंत सोरेन ने कल ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अब चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं और मांझी बनने के टैक्स से भी बच चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर हेमंत सोरेन ने इतनी जल्दबाजी दिखाई क्यों? क्या हेमंत सोरेन को चंपई सोरेन से सियासी खतरा था? क्या हेमंत सोरेन के दिमाग में बिहार वाला जीतनराम मांझी मूवमेंट चल रहा था? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हेमंत सोरेन के फैसले से मिलते दिख रहे हैं। हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन से मुख्यमंत्री की कुर्सी ऐसे समय में वापस ली जब इसी साल झारखंड में विधानसभा चुनाव होने।